तो ये कहानी शुरू होती है एक वॉइस नोट से। अस्सलाम वालेकुम। मड़ा एक बहुत खूबसूरत झील है, कलेम के पास है और बर्फ जमा हुआ होता है, वहां पे कोई भी नहीं जाता। बहुत का प्यारी झील है, कहते थे तुमको वहां ले जाता है। कंडोले कलाम के करीब मौजूद एक बहुत खूबसूरत झील है, जैसे सर्दी के मौसम में बर्फ की एक चादर अपने अंदर संभाल लेती है। तो कंडोल झील तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे कलाम, और यहां से 2 घंटे की जीप राइड के बाद हम अपनी ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहां से हमारा ट्रैक शुरू होता है। हम कोई 2 घंटे की जीप राइड करके इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं टूवर्ड्स द कंडोल लेक। और यहां पे कुछ तरह की बात, और 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे कंडोल लेक। जिंदगी में पहले तो हमने फ्रोजन लेक देखी है। मैंने आंसू लेक के बारे में सुना था कि आंसू लेक जो है वो फ्रोजन होती है। और ये जो ट्रैक था, ये वैसे तो कोई 2-1 घंटे का ट्रैक है, लेकिन हमें तकरीबन कोई 3.5 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने में। बट इट्स इंडीड वर्थ इट। यहाँ पे पहुँच के आपका जो पैसे हैं ना, सारे के सारे पूरे हो जाते हैं। चलो जी, आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। इस झील की खूबसूरती आपकी तमाम थकावट दूर कर देगी। ओके गाइस, तो हो गया शाम का वक्त और हमें यहीं पे शाम हो गई है। और ये बता रहे कि फोरकास्ट में आज बर्फबारी है, सो लेट्स सी वापसी का ट्रैक कैसा होता है, क्योंकि हमें आते हुए बहुत टाइम लगा और वापसी थोड़ी ट्रिकी होगी। तो इसलिए आई थिंक दिस इज द टाइम टू से गुड बाय। बॉस्टन साइनिंग आउट।